नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के केस का। क्या सरकार, महाराष्ट्र सरकार बदली होने के बाद ये केस वापस खुलेगी? क्योंकि व्यूवर्स भी पूछ रहे हैं कि दिशा सालियन का और सुशांत सिंह राजपूत का केस का फाइल का क्या हुआ। तो तत्ते जी, आप क्या मानते हैं इसको, सरकार बदली होने के बाद ये फाइल, क्योंकि बहुत चर्चित था ये और आदित्य ठाकरे जी का नाम इसमें जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? कैसे है कि फडणवीस और शिंदे साहब ये बोलेंगे कि शुरुआत आपने की, ख़त्म हम करेंगे। क्या बात है, ऐसा डायलॉग मारेंगे वो। क्योंकि कैसे है ना कि जब महाआघाड़ी की सरकार थी तब उन्होंने इतने लोगों के ऊपर इतने अन्याय और अत्याचार किए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर जी, और ऐसे फिल्म स्टार के ऊपर भी, कि उसका कहीं ना कहीं बदला लेना इनके लिए भी वाजिब होता है। मतलब आपने ऐसे पाप किए हैं तो आप अभी नहीं बोल सकते कि ये मत करो वो मत करो, आपने हर एक चीज़ की हुई है। सर, इनके ज़माने में इन्होंने नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री थे जी, और उन्होंने ऐसा सर जो बोला ना, वो तुम्हारे शिवसेना के सभी नेता ये बोलते हैं, इसी अंदाज में बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं कि मैं चपराक मारूँ, थोबाड़ित मारूँ, मैं अमुक करूँ, मैं तमुक करूँ, वो तो बोलते हैं। हमारे संजय जी तो बोलते थे 40 रेड़े भेजा है उधर काटने के लिए कालिका माता के सामने, और गाली भी देते थे। तो बाप का भी नाम लेते थे। हाँ, किसका? बाप भी बोलते थे, बाप संज्ञा में बाप का भी नाम लेते थे संजय राउत जी। नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है बाप का नाम। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, तो वो गाली भी लेते थे, देते थे। तो ऐसा हो गया कि नारायण राणे साहब ने जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने इतना ही बोला कि अगर किसी और ने ऐसा गलती किया होता तो मैं तो कांचीलात मार ली अस्थी। अब कांचीलात मार ली अस्थी इतना साधा सेंटेंस है, और जो उससे 10 गुना 1000 गुना लोग बोलते हैं अपनी भाषणों में, सभी पार्टी के, इनके पार्टी तो ज़्यादा ही बोलते हैं, उन्होंने उनको सीधा अरेस्ट करने की सोची, इतना बड़ा उसका बतंगड़ बनाया, उनको अरेस्ट किया। अब काफ़ी उसमें वायलेंस भी हुआ। केंद्रीय मंत्री को आप जब अरेस्ट करते हैं वो भी एक सेंटेंस के ऊपर, तब आप बार बार बोलते हैं ना हम मर्द हैं, मर्द हैं, मर्द हैं, ये तो नामर्दगी का काम हो गया कि तुमको एक सेंटेंस की वजह से उसको अरेस्ट किया आपने। लज्जा होनी चाहिए आपको, भाई पॉलिटिकल फील्ड है, पॉलिटिक्स में ऐसा बोला जाता है। फिर आप उससे संतुष्ट नहीं हुए, आपने नीतीश राणे को भी पुराना इधर का उधर का निकाल के अंदर डालने की कोशिश की, डाला भी उसको। फिर हनुमान चालीसा, हाँ हनुमान चालीसा के लिए वो राणा दंपति जो है उनको भी अंदर डाला, देशद्रोही लगाया। हाँ, देशद्रोह का भी कलम लगाया, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह हो गया। और इसके परे उन्होंने कंगना रनौत ने कुछ ट्वीट किया उसके लिए, उसको भी घर तोड़ने की ये कर दी, ऑफिस तोड़ा उसका। अर्नब उनके खिलाफ बोल रहा था तो उसको भी वो ये वाजिद ने उठा के, सर उसका केस 20 साल पहले का था, तो उसके संदर्भ में उसके ऊपर आरोप लगा के उन्होंने उठा लिया। तो ये सब आपकी करतूतें जो है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। अभी है, हर कुत्ते का एक दिन होता है, वैसे अभी आपका दिन था, तो आपने जो करना था, भोगना था, ये काटना था, वो कर लिया, अब आप भुगतो। तो ऐसा है कि आदित्य ठाकरे उस कांड में था या नहीं था, इसका वो बोलेंगे, कोर्ट निर्णय करेगी। हम वो जो कुछ हुआ है उसके लिए एक कार रेड लाइट वाली आई थी, गई थी, ये पुरावा हमारे लिए काफ़ी है। अब उनके लिए काफ़ी नहीं था, इनके लिए उतना भी काफ़ी है। तो सुशांत सिंह और ये केस में वो उसको बिल्कुल फंसाएंगे और बोलेंगे इंक्वायरी करेंगे, पहले तो FIR दाखिल करते हैं। और पुरानी केसेस ये निकालते ही है 20 साल। अभी तो कल सर भुजबल को धमकी दी इन्होंने, भुजबल को बोले कि इसको, इनको छोड़ दिया है कोर्ट ने, जामीन पर है वो मगर छोड़ दिया है, तो उनका जो ओरिजिनल कांड था उसकी फिर से हम ये करेंगे। अब वो महाराष्ट्र सदन घोटाला, महाराष्ट्र सदन घोटाला उसकी फिर से जांच करेंगे।
ये क्या हो गया, कोर्ट तक मैटर गया, 3.5 साल सर वो सड़े जेल में और अभी इसके ऊपर बाहर आए और कोर्ट ने ऐसा रिमार्क दिया कि इसमें कुछ दम नहीं है ये प्रकार का, मतलब प्रोजेक्ट 100 करोड़ का और बोल रहे 1200 करोड़ का गाफला हुआ, ऐसा सब हो रहा है। तो अभी आप भुजबल का नाम लेते हैं तो वो भी लोग आपको भी सबक सिखाएंगे। तो अभी दिशा सालियन और इसके सुशांत सिंह के बारे में ऐसा है कि रहस्य तो बना रहा है, आज भी बना हुआ है, आत्महत्या की, हत्या हुई, क्या हुआ, रहस्य बना है। तो उसका फ़ायदा लेके वो बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा इससे संबंध है, अभी है कि नहीं, कैसे है ना, आजकल पुलिस और इनके ज़माने में भी पुलिस क्या करती थी कि तुम कोर्ट में जाके सिद्ध करो, हमने तुमको उठा लिया। तो अब ये बहुत किया है इन्होंने, अब इनको पछताना भी पड़ेगा और भुगतना भी पड़ेगा। मगर फैकरे फैमिली के लिए अगर दिशा सेलियन और सुशांत सिंह के मामले में ये अरेस्ट होता है आदित्य, तो बड़ी ज़बरदस्त दहशत होगी। और मेरे को लगता है कि जबकि सर ऐसा है कि सीबीआई ने उसका सुशांत सिंह के केस का 1 साल तला उसका पूरा इंक्वायरी की और उसके बाद उन्होंने सर कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। 1 साल करने के बाद एक मामूली घटना है, उसकी जांच कर रहे साल भर से कोई रिपोर्ट नहीं दी, क्यों नहीं दी? उनका भी इरादा ऐसा रहेगा कि भाई ये अभी क्यों देने का, इनको क्लीन चिट रहने दो ना, इंक्वायरी चालू है, पूरी नहीं हुई है। जिस दिन सरकार बदली गई और उनको पहले से हौसला था, फडणवीस साहब को ये हौसला था, उन्होंने खुद मुझे बताया था कि थोड़े दिन रह गए, थोड़े दिन के बाद सरकार बदली गई, फिर अब सब चीज़ों का हिसाब हो जाएगा। तो ऐसा है कि अभी आदित्य का हिसाब करेंगे वो, और हो सकता है कि पहले FIR करेंगे, फिर पूरा ऐसा माहौल बनेंगे कि हो रहा है अरेस्ट हो रहा है, जा रहा है, ये कर रहा है, पैनिक और बना उनको पैनिक बनाएंगे, बराबर पैनिक शब्द है, और डिमोरलाइज करते रहेंगे उनको। और जिस दिन ये और कोई कारनामे करेंगे इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उस दिन उसको उठाएंगे। तो उसका जेल दाना 50-50 में तय है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आदित्य ठाकरे जी क्या दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच पड़ताल में कुछ इसमें निकल सकता परेशानी है, में जा परेशानी में जा सकते हैं और एक फाइल वापस खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी, क्योंकि सरकार बदली हो गई है और इसमें रहस्य अभी तक बना हुआ है और CBI ने भी अभी क्लीन चिट नहीं दिया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।